चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। संत क्रूस के यहन का कहना है, सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस, एक व्यक्ति के जीवन के संध्या वेला में उसके प्रेम भरे कर्मों की जांच की जाती है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कोलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 12 से होकर वचनों के द्वारा जरा हम भी हमारे जीवन के इस संध्या वेला में यानी 40 काल में हमें चाहिए कि हम हर रोज अपने संध्या समय में इस प्रकार अपने आप की जांच करें। आइए उन वचनों से होकर हम जरा आगे बढ़ते हैं। कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 12 से होकर, आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा है। सर्वप्रथम हम प्रभु के शिष्यगण हैं, हम प्रभु ईसा के अनुयायी हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता धारण करनी चाहिए। हमारा वस्त्र, हमारा पहनावा, शारीरिक पहनावा के लिए हम जानते हैं भली भांति। आज प्रभु ईसा हमारे आत्मा का वस्त्र धारण के बारे में यहाँ मनन कराते हैं। हमें चाहिए कि हमारी आत्मा अनुकंपा, दया के कर्म, दूसरों को छोटे छोटे बातों में उनके कमियों के, उनके जरूरतों के सामने हम उनके प्रति अपने आप में या उनके साथ अनुकंपा दिखाए, सहानुभूति दिखाए, विनम्रता के साथ रहे, कोमलता और सहनशीलता के साथ हम उनके साथ व्यवहार करें। और यही है हमारे आत्मा के लिए वस्त्र धारण। आगे, आप एक दूसरे को सहन करें। जब हम वचन पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं, जरा हम अपने आप की जांच करें कि मैं ऐसा करता हूं। हाँ, आप एक दूसरे को सहन करें, चाहे छोटी छोटी बातें होगी या बड़े बड़े बातें होंगे, हम जरा एक दूसरे को सहन करें। और यदि किसी को किसी के साथ कोई भी शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा कर दे, जाने दे। जैसे आप चलते हैं, कहीं किसी को आप ऐसे चोट पहुंचा दे यानी लग गया, तो आप सॉरी कहते हैं, तो सामने वाला आपसे कहता है कोई बात नहीं, हिंदी में इंग्लिश में हो तो सॉरी कहते हैं। जब सॉरी कहते हैं तो हम क्या कहते हैं, इट्स ओके। यदि हम हिंदी वाला हो तो हाँ, वो कहेगा कि कोई बात नहीं, है कि नहीं। हाँ, तो ये कोई बात नहीं, ये शब्द मेरे प्यारे भाई और बहनों मुझे बहुत स्पष्ट करता है, मैं इसे बड़ा सीरियस में लेती हूँ। इट्स ओके मतलब चलो भाई कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। जरा आज के दिन आपके साथ कोई भी गलत व्यवहार किया हो, आपको कोई प्रकार से चोट पहुंचाया हो, क्या आज के दिन अभी मुझे सुनने वाले मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी घड़ी क्या आप उन सबों को याद करते हुए, उनके उन तक पहुंचते हुए आप कह सकते हैं, अरे भाई कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ, एक दूसरे को किसी के साथ किसी को भी कोई भी शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है ना, आप लोग भी ऐसा ही करें। प्रभु ईसा ने हम लोगों को क्षमा कर दिया है ना, तो चलिए ना हम भी प्रभु का सा व्यवहार अपनाएं। प्रभु ने जैसा किया वैसा ही हम भी करें, और इस चालीसा में हम एक दूसरे को आशीर्वाद दे, क्षमा दे, सहन करें,
वहन करें। और यह कहना मत भूलिएगा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आमीन।